Hello everyone, welcome to class number 109 of the chapter Programming Using C. आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में. आज का हमारा टॉपिक है फाइल एंड स्ट्रीम. फाइल किसको बोलते हैं, स्ट्रीम किसको बोलते हैं, आज के क्लास में हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. तो जैसे कि जब हमने फाइल मैनेजमेंट के बारे में शुरू किया था सी प्रोग्राम में, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि फाइल हम किसको बोलते हैं, फाइल हम क्यों यूज करते हैं. सो फाइल जो कि सी प्रोग्राम के थ्रू हम फाइल को क्यों क्रिएट करते हैं, इट इज मेनली यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ परसिस्टेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर के मेमोरी में, कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को परसिस्टेंटली या फिर परमानेंटली स्टोर करके रखने के लिए हम मेनली यूज करते हैं फाइल्स को. ओके, सो सी प्रोग्राम के थ्रू भी हम फाइल्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके परमानेंटली तब तक रख सकते हैं जब तक हम खुद चाहते हैं, ताकि बाद में जब हम चाहें उसको यूज कर सकें, उसको रीड कर सकें, जब चाहे तब उसको एक्सेस कर सकें. ओके, फाइल्स आर यूज्ड टू रीड एंड एक्सेस द डाटा एनी टाइम फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी. फाइल्स के फॉर्म में हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं, स्टोर करके रखने की मेन इंटेंशन क्या है, कि जब चाहे तब उसको रीड कर सकें, जब चाहे तब उसको एक्सेस कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर मेमोरी से लेके. इसीलिए हम फाइल्स के फॉर्म में डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं, जब तक वो डाटा हमें चाहिए तब तक. ओके, सो फाइल्स मेक इट इजी फॉर ए प्रोग्रामर टू एक्सेस एंड स्टोर कंटेंट विदाउट लूजिंग इट ऑन प्रोग्राम टर्मिनेशन. फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई सी प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें अगर कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, कुछ आउटपुट जनरेट होता है, उसको अगर हम नॉर्मली वो तब तक स्टोर होके रहता है जब तक हम उसको रन कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को जब तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब तक वो हमारे मेमोरी में स्टोर होके रहता है. बट जब प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं, एग्जीक्यूशन खत्म कर देते हैं, तो मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी जो रैम है उसमें जो डाटा स्टोर्ड है वो ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो जाता है जब हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं या फिर उसका एग्जीक्यूशन जब बंद कर देते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि डाटा परमानेंटली स्टोर होकर रहे, जो डाटा हम इनपुट के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डाटा ऐसे आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं सी प्रोग्राम के थ्रू. ओके, वही लिखा है, व्हेन ए सी प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड, जब एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन जब उसका खत्म हो जाता है, तो जो भी डाटा रैम में स्टोर्ड होता है वो डाटा ऑटोमेटिकली वहां से लॉस्ट हो जाता है, वैनिश हो जाता है. तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो प्रोग्राम लिखे थे उसको, अगर हम उसमें जो भी डाटा इनपुट किया गया है, जो भी आउटपुट जनरेट हुआ है, उस डाटा को अगर हम चाहते हैं कि स्टोर होकर रहे हमारे कंप्यूटर मेमोरी में, ताकि जब हम चाहें उसको यूज कर सकें, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स के फॉर्म में स्टोर कर के रख सकते हैं हमारे कंप्यूटर मेमोरी में. तो रैम जो है वो एक प्राइमरी मेमोरी है, उसको बस हम तभी यूज करते हैं उस तरह के प्रोग्राम को होल्ड करके रखने के लिए जो प्रोग्राम रिसेंटली सीपीयू यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है. सो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम रैम या फिर प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करके नहीं रख सकते. तो इसीलिए हम कोई भी डाटा को सी प्रोग्राम के थ्रू, जो भी डाटा हम इनपुट कर रहे हैं, उस डाटा को अगर फाइल के फॉर्म में स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसको हार्ड डिस्क में हम स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू रैम बहुत ही ज्यादा होता है. इसीलिए हम हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, फाइल्स के फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखते हैं, जो डाटा को हम जब चाहें तब क्या कर सकते हैं, बाद में इजिली रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. तो कोई फाइल के, मतलब सी प्रोग्राम के थ्रू फाइल क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, फाइल में डाटा स्टोर करना, फाइल में स्टोर किया गया डाटा को रीड करना, उसको क्लोज करना, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस हैं जो कि हम एक सी प्रोग्राम में फाइल्स को लेके करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट मींस द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स. फाइल्स के फॉर्म में डाटा को मैनेज करके रखने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट. तो अब तक हमें पता चला कि फाइल क्या है, सी प्रोग्राम के थ्रू हम फाइल को क्यों यूज करते हैं. अभी हम आते हैं और एक तरह के टर्म के बारे में, जिस टर्म का नाम है स्ट्रीम. ये स्ट्रीम किसको बोलते हैं, व्हाट इज स्ट्रीम, द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट वी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स इन ए फाइल इज नोन एज स्ट्रीम. कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल में हम मेनली डाटा को दो फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, एक है टेक्स्ट फॉर्मेट और एक है बाइनरी फॉर्मेट. दो फॉर्मेट में हम मेनली डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट वाला फॉर्मेट हो या फिर बाइनरी वाला फॉर्मेट हो. अगर सारे डाटा को एक फाइल में हम बाइट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बाइट्स मींस 1 byte equals to 8 bit, तो अगर हम बाइट्स के फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन
इनको फाइल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो, स्मॉल साइज ऑफ डाटा हो, उस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिप। एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट वी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स इन ए फाइल, एक फाइल में बाइट्स के फॉर्म में, बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एक फाइल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिम। ओके, सो मेनली जो भी स्ट्रीम्स हैं, जो भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, उसको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है टेक्स्ट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम, और दूसरा वाला जो स्ट्रीम है वो बाइनरी स्ट्रीम। ओके, तो किस तरह के स्ट्रीम या फिर किस तरह के सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम टेक्स्ट स्ट्रीम बोलते हैं, देखते हैं। इन ए स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट मीन्स इन टेक्स्ट स्ट्रीम, मतलब जिस तरह के सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में सारे इंफॉर्मेशन, सारे डाटा अगर टेक्स्ट के फॉर्म में है, कैरेक्टर्स के फॉर्म में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट स्ट्रीम। जहां पे हर एक यूनिट ऑफ डाटा को हम एक एक कैरेक्टर के हिसाब से कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक फाइल बनाया है जहां पे मैंने अपना नाम स्टोर किया है सुनील, तो यहाँ पे SUNIL, तो ये सारे एक एक यूनिट ऑफ डाटा है। S एक यूनिट ऑफ डाटा है, U एक यूनिट ऑफ डाटा है, N एक यूनिट ऑफ डाटा है, I एक यूनिट ऑफ डाटा है, एंड L एक यूनिट ऑफ डाटा है। हर एक यूनिट ऑफ डाटा क्या होता है? एक एक कैरेक्टर होता है। मतलब हर एक कैरेक्टर को एक एक यूनिट ऑफ डाटा के हिसाब से हम कंसिडर करते हैं, किसमें? टेक्स्ट स्ट्रीम में, जिसमें हम क्या करते हैं? एट ए टाइम या तो एक कैरेक्टर या तो एरे ऑफ कैरेक्टर, एरे ऑफ कैरेक्टर मींस मोर देन वन कैरेक्टर को एट ए टाइम वो रीड करता है या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बट हर एक कैरेक्टर को वो रिप्रेजेंट करता है, हर एक यूनिट ऑफ डाटा को वो रिप्रेजेंट करता है 8-bit बाइनरी नंबर में या फिर 1-byte बाइनरी नंबर में। मतलब इतना समझ आ गया कि टेक्स्ट स्ट्रीम हम उस तरह के स्ट्रीम को बोलते हैं जिसमें हम एक यूनिट ऑफ डाटा को एक कैरेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब एक सिंगल कैरेक्टर को हम एक यूनिट ऑफ डाटा के हिसाब से कंसीडर करते हैं, जिस एक यूनिट ऑफ डाटा कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? 1 byte ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। ओके, तो अगर मेरे पास 5 कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर को मैं कंसीडर करूंगा 5 अलग अलग यूनिट ऑफ डाटा के हिसाब से, और हर एक कैरेक्टर 1 byte ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा अगर हम उस डाटा को टेक्स्ट स्ट्रीम के फॉर्म में हमारे फाइल में स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, S को हमने रिप्रेजेंट किया है 1 byte के फॉर्म में, U को हमने रिप्रेजेंट किया है 1 byte के फॉर्म में, N को हमने रिप्रेजेंट किया है 1 byte के फॉर्म में, I को हमने रिप्रेजेंट किया है 1 byte के फॉर्म में, L को हमने रिप्रेजेंट किया है 1 byte के फॉर्म में। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह के स्ट्रीम या फिर किस तरह के सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम बाइनरी स्ट्रीम बोलते हैं, जिस तरह के सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में हम डाटा को बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां पे जरूरी नहीं है कि सारे डाटा जो हैं वो कैरेक्टर्स के फॉर्म में होंगे, टेक्स्ट के फॉर्म में होंगे, वो किसी भी तरह के डाटा टाइप के फॉर्म में हो सकते हैं। टेक्स्ट स्ट्रीम में क्या होता था कि जो भी डाटा हम उस तरह के फाइल में स्टोर करते थे, सारे डाटा कैरेक्टर के फॉर्म में होना कंपलसरी था, बट यहाँ पे हम किसी भी तरह के डाटा टाइप वाले नंबर, किसी भी तरह के डाटा टाइप वाले डाटा को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बाइनरी स्ट्रीम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वहां पे टेक्स्ट स्ट्रीम में, जबकि हर एक कैरेक्टर को हम एक एक यूनिट ऑफ डाटा के हिसाब से रिप्रेजेंट करते थे और हर एक यूनिट ऑफ डाटा 1 byte ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता था, बट यहाँ पे कोई एक यूनिट ऑफ डाटा का कोई फिक्स्ड साइज नहीं है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, इस यूनिट में 2 byte वैल्यूज हैं। ओके, ये यूनिट में 4 इंटीजर वैल्यूज हैं, ये यूनिट में 1 byte वैल्यू है, ये यूनिट में 2 कैरेक्टर वैल्यूज हैं। जैसे कि प्रीवियस में हमारा टेक्स्ट स्ट्रीम में क्या होता था, एक यूनिट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को वो कंसीडर करता था और हर एक कैरेक्टर को 1 byte के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता था, बट बाइनरी स्ट्रीम में ऐसा कुछ नहीं होता। एक यूनिट ऑफ डाटा कुछ भी हो सकता है, वो 2 byte वैल्यूज हो सकते हैं, 4 इंटीजर वैल्यूज हो सकते हैं, 1 byte वैल्यूज हो सकता है, 2 कैरेक्टर वैल्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, जिसके वजह से यहाँ पे इसका कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता बाइनरी स्ट्रीम का। इतना पता चला, टेक्स्ट स्ट्रीम में हम हर एक यूनिट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं एक एक कैरेक्टर के द्वारा, और हर एक यूनिट 1 byte ऑफ इंफॉर्मेशन रिजर्व करता है, बट बाइनरी स्ट्रीम में हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी के फॉर्म में। ओके, जहां पे
हर एक यूनिट ऑफ डाटा का कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता, यहाँ पे हम किसी तरह के डाटा टाइप का वैल्यू क्या कर सकते हैं, इजीली इस तरह के फाइल्स में स्टोर करके रख सकते हैं, जबकि टेक्स्ट स्ट्रीम में हम सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज, टेक्स्ट टाइप्स के डाटा टाइप्स डाटा को हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप डाटा के वैल्यूज को हम सिर्फ वहां पे स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि फाइल क्या है, स्ट्रीम क्या है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।